प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। आज हम सभी हिंदी बसंत भाग तीन के अंतर्गत पाठ 15 सूरदास के पद में जो है अगला और अंतिम पद यानी दूसरा पद का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या देखेंगे, जिसमें जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सूरदास के परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, फिर पहले पद का प्रसंग संदर्भ सहित जो है व्याख्या उसका मैंने बता दिया था। अब जो दूसरे पद का जो संदर्भ है वो पूर्ववत ही होगा, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं संदर्भ में बार बार परिवर्तन नहीं होता, प्रसंग में परिवर्तन होता है। तो इसका जो प्रसंग है वो कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य के महाकवि सूरदास जी ने यह व्यक्त किया है कि एक जो ग्वालिन है वो माँ यशोदा के पास श्री कृष्ण की उलाहना लेकर पहुंचती है और वो बताती है कि बालक श्री कृष्ण जो है उसके घर में किस तरह से सामानों को बिखेर देते हैं, दही माखन के पाने के लालच में या दही माखन चुराने की कोशिश करते हैं और किस प्रकार वो उसका नुकसान भी करते हैं और अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं। अब जो है मैं इसे पढ़ता हूँ, उसके बाद जो कठिन शब्द आएंगे उसका मैं आपको जो है अर्थ भी बताऊंगा, उसके बाद तब इसकी व्याख्या। पहले देखिए इसका मैं वाचन कर रहा हूँ। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढढोरी आप ही आवम आयम आप ही आयम, खोल किवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके कौलीन अनभावत भूई मैं ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह टोढ़ा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटक न राखें, तही पूत अनोखो जायो। ये हो गया, ये पंक्तियां हो गई। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं जैसे कि दोपहर दिवस, दोपहर यानी दोपहर का समय, पहली पंक्ति में कुछ ऐसा नहीं है, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढढोरी, ढूंढ ढढोरी का अर्थ होगा ढूंढ कर, टटोल कर, ठीक है, यानी ढूंढ ढूंढ कर कहाँ, ढूंढ का अर्थ होगा ढूंढ कर और ढढोरी का मतलब ढूंढने वाला, आप ही आयो यानी अपने आप स्वयं आकर जो है वो ढूंढने लगता है, खोल किवारी, किवारी का अर्थ होता है दरवाजा, पैठ यानी घुसकर मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, सखनी यानी जो उनके मित्र हैं, जो उनके सखा हैं मित्र हैं उनको भी वो खिलाते हैं, उखल चढ़ उखल उखल पर जो है चढ़ जाते हैं, सीका एक शब्द आया है, सीके सीके का अर्थ होता है कि जो छींका जिसमें दूध दही टांग दिया जाता है ऊपर जो रस्सी का बंधा होता है ताकि वो सुरक्षित रहे, ठीक है, अनभावत जो उन्हें नहीं भाता, जो उन्हें पसंद नहीं आता है, भूई यानी भूमि पर जमीन पर ढरकायो गिरा देते हैं, लुढ़का देते हैं, दिन प्रति यानी रोज रोज, हानि होती गोरस एक शब्द आया, गोरस गाय के दूध से बने हुए जो उत्पाद हैं जैसे दूध दही घी मक्खन इत्यादि, यह टोढ़ा कौने ढंग आलायो और ये कौन सा तरीका है, यानी टोढ़ा यानी कौन सा तरीका है, टोढ़ा का अर्थ यहाँ पे हम ले सकते हैं कि पुत्र, तरीका यानी आपके पुत्र का ये कौन सा तरीका है, सूर श्याम को हटक, हटक का मतलब डांट डपट कर, डांटना डपटना, राखो तही पुत पुत्र अनोखो, अनोखा या विचित्र आप कह सकते हैं, जायो का मतलब जन्म दिया है, ठीक है। तो ये हो गया कठिन शब्दों का निवारण। अब जो है इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक सुनिए।
तेरो लाल मेरो माखन खायो। सूरदास जी कहते हैं कि एक ग्वालिन जो है, यानी उसके घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं, अपने दोस्तों को भी ले जाते हैं और मक्खन दूध दही मक्खन, मेरे मक्खन को ही ढूंढते हैं, दूध दही तो उनके नहीं उतना उनको पसंद था, तो माखन ढूंढने जब जाते हैं तो वो उसके ढूंढने के चक्कर में उनके अंदर जो भी कमरे में जो भी सामान है उसको बिखेर देते हैं, फिर दोस्तों को जो है खाने के लिए भी देते हैं, अपने खाते हैं दोस्तों को देते हैं, और उसके बाद जो पसंद नहीं आता है जो मक्खन या दही उसको लुढ़का देते हैं, ज़मीन पर गिरा देते हैं। तो जब वो ग्वालिन आती है और देखती है तो उलाहना लेकर जाती है, ठीक है, माता यशोदा के पास, और क्या कहती है देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, कहती कि हे यशोदा तुम्हारा लाल यानी जो पुत्र है उसने मेरा माखन खा लिया है या खाया है, और इतना ही नहीं अब आगे देखिए क्या वो उलाहना देती हैं, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, और दोपहर के समय जब वो जानता है कि घर सूना है कोई नहीं है तो ढूंढ ढढोरी आप ही आयो, तो वह दोपहर के समय घर को सूना समझकर सूना जानकर वह अपने स्वयं ढूंढ कर खोल की वाणी यानी मक्खन स्वयं ढूंढता है चारों तरफ की कहाँ है किस कोने में है, खोल की वाणी बैठ मंदिर में, और वो किवाड़ यानी दरवाजा खोलकर मंदिर में प्रवेश कर जाता है, दूध दही सब सखनी खवायो, और दूध दही जो है वो क्या करता है स्वयं खाता है और अपने मित्रों को भी खिलाता है, ऊखल चढ़ इतना ही नहीं है वो जो सीका है अर्थात जो छींका जिसमें हम लोग वो गांव के लोग जो है क्या करते हैं दूध से बने हुए जैसे मक्खन हुआ या दही हुआ उसको सुरक्षित हो रहे इसके लिए जो है ऊपर वो छत से टांग देते हैं रस्सी बांध के उसमें कि कोई जीव जंतु जो है उसे न छुए या सुरक्षित रहे, यानी दूध दही रखने का एक जो है रस्सी का बना हुआ होता है पात्रनुमा जिसमें रखा जाता है दूध दही को। हाँ तो उखल चढ़ सीके को लीन हो, और उखल पर चढ़ जाता है उसके बाद वो छींके से उस दही या मक्खन को उतार लेता है, अनभावत भूई मैं ढरकायो अनभावत, और जो उसे उसमें से नहीं पसंद आता है उसको वो जमीन पर क्या करता है लुढ़का देता है, ठीक है जमीन पर गिरा देता है। अब इससे क्या होती है क्षति वो कह रही है, दिन प्रति हानि होती गोरस की, और हे यशोदा प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है मेरे घर में, अर्थात दूध दही घी मक्खन ये सब जो है वो क्या कर रहा है तबाह कर दे रहा है, जो छत विछत कर दे रहा है उसे नुकसान पहुंचा रहा है, यह ढोठा कौने ढंग लायो, और यह तुम्हारे पुत्र का यह कौन सा तरीका है क्यों ऐसा वो कर रहा है, सूर श्यामी को हटक न राखो, और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि वह ग्वालिन कहती है माँ यशोदा से उलाहना देते हुए भगवान श्री कृष्ण की या बाल श्री कृष्ण की कि हे यशोदा तुम अपने पुत्र को हटक यानी डांट डपट कर क्यों नहीं रखती हो, तहीं पूत अनोखों जायो, और क्या तुमने ही इस ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है या जन्मा है और किसी के पुत्र नहीं है कि ये इतना शरारत करता है घर में घुस जाता है दूध दही जो है खाता है गिरा देता है गोरस की हानि हो रही है, ठीक है तो क्या तुम अपने पुत्र को डांट डपट कर नहीं रख सकती नहीं समझा सकती। तो इस प्रकार जो है ये दूसरा पद और अंतिम पद पाठ 15 सूरदास के पद का जो दूसरा और अंतिम पद था उसकी जो है व्याख्या समाप्त हुई। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा सुनिएगा, इसके बाद भी यदि कहीं भी कोई समस्या है शब्दार्थ से संबंधित वाक्य जो मैंने पढ़ा है पंक्तियों की व्याख्या से संबंधित आप निःसंकोच पूछें उनका निवारण अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।